YouTube channel. So guys, मैं हूँ रितु और मेरी तरफ से आप सबको wish you a very merry happy Christmas. So guys, आप देख रहे हो मेरे पीछे जो है totally Christmas का decoration किया हुआ है. देखो, तो मैं आपके साथ share करने वाली हूँ कि शिलीगुड़ी के अंदर Christmas कैसे मनाया जाता है. तो चलो, जितना हो सके मैं आपके साथ share करती हूँ. आप देख ही रहे हो बहुत ही ज्यादा क्राउड है और इस जगह का नाम है वेगा सर्कल मॉल. आई होप आपको मेरे चैनल में ये दिखा होगा. अगर नहीं मिला है तो आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो. तो इस मॉल का पूरा जो डिटेल्स वीडियो है वो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा. तो चलो अभी चलते हैं अंदर, उसके बाद करती हूँ मैं आपसे बात. सो गाइस, ये था मॉल का बाहर का नज़ारा. ये देखो, सामने ऐसा कुछ गेट बना गया था जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था देखने में. ये देखो, ये जो है बाहर से पूरा डेकोरेशन मैंने कैप्चर किया आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत था. लेकिन गाइस, यहाँ पे क्राउड जो है ना, बहुत ही ज़्यादा क्राउड था. मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा क्राउड होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्राउड था. तो मुझे यहाँ पे ना वॉइस डालना पड़ा क्योंकि मेरा बात ना कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. मुझे भी बात करते हैं कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वॉइस डालना पड़ा. तो चलो अंदर चलते हैं. ये देखो, यहाँ पे लाइटिंग बहुत खूबसूरत किया गया था गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था. इसीलिए भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि इस मॉल में ना हर बार क्रिसमस को लेके बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन किया जाता है. ये देखो, सामने कुछ सेल्फीज़ ले रहे थे सब बच्चे बड़े, सभी सेल्फी के लिए कुछ अलग अलग जोन बनाया गया था यहाँ पे. और ये देखो, ये मॉल का खुद का लाइट है, वो तो है ही, उसके साथ साथ क्रिसमस के लिए और भी कुछ लाइट ऐड किया गया था, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था. और यहाँ पे ना कुछ स्टेज बना के कुछ प्रोग्राम हो रहा था, तो गाना वाना चल रहा था, तो लोग इसी के लिए भी और भी ज़्यादा मतलब यहाँ पे क्राउड हो गया था कि सब वहाँ पे खड़े हो गए थे और एक साथ वो म्यूज़िक वाला म्यूज़िक सुन रहा था सभी, तो इसीलिए और भी ज़्यादा क्राउड था. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि क्राउड होगा, लेकिन इतना ज़्यादा होगा गाइस ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. ये देखो, अंदर से मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया गेट का नज़ारा और ये जो है पूरा व्यू ऐसा है. ये देखो, और मतलब भीड़ की वजह से ना वीडियो करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि धक्का धक्की हो रहा था, तो कुछ भी करके मैंने जल्दी से जल्दी कैप्चर कर लिया थोड़ा सा. बाहर बहुत ही ज़्यादा क्राउड था गाइस सच में. यहाँ पे देखो, एक कॉफ़ी शॉप है, टी कॉफ़ी सभी यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे सब. और कल का जो वेदर था ना वो काफ़ी कूल था सच्ची में. कल ठंडा भी बहुत ज़्यादा था, तो ठंडा के लिए सब यहाँ पे कॉफ़ी के साथ साथ सामने म्यूज़िक चल रहा था, सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे. और ये देखो, सामने एक लाइट से बनाया हुआ क्रिसमस ट्री, इसके सामने भी बहुत भीड़ था, सभी यहाँ पे सेल्फी ले रहे थे. मैंने कोशिश किया लेकिन इतना ज़्यादा क्राउड था, मैंने और सेल्फी लेने का सोचा भी नहीं, तो मैं चली गई अंदर. तो अंदर जाके मैंने कैप्चर किया, तो थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ ये ट्री कैसा बना गया है. देखो, पूरा लाइट से जो है डेकोरेशन किया गया था, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था. डेकोरेशन जो था वो बहुत ही खूबसूरत था. और यहाँ पे जो है सर ही सर नज़र आ रहे लोगों का और कुछ भी नहीं है. और ये देखो, आपको समझ में आ रहा होगा कितना ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे. ये देखो, सब सामने बहुत सारे लोग थे. तो यहाँ पे और ज़्यादा कुछ मैंने कैप्चर नहीं किया, तो चलो अभी चलते हैं अंदर. अंदर डेकोरेशन कैसा हुआ है तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. अंदर का डेकोरेशन भी काफ़ी खूबसूरत था, तो चलो अभी चलते हैं अंदर, उसके बाद में करती हूँ आपसे बातें, ठीक है? चलो. सो गाइस, अभी मैं आपको लेके जाऊँगी मॉल के अंदर. उससे पहले थोड़ा सा बाहर से जो व्यू है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ. ये देख लो. और मॉल में अंदर एंटर करने से पहले यहाँ पे कुछ ऐसा रिंग रिंग टाइप का डेकोरेशन किया गया था जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था देखने में. और यहाँ पे भी देखो, सेम क्राउड है अंदर जाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे भी. तो इसी के साथ साथ मैं भी चली गई अंदर. तो चलो, अंदर जाने के बाद अंदर का जो डेकोरेशन है वो कैसा है मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है गाइस? और गाइस, ये देखो, अंदर जो है ऐसा कुछ डेकोरेशन किया गया था. और ये जो चारों तरफ जो है ऐसा ही कुछ डेकोरेशन था, ऊपर से लेके नीचे तक बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन था, सिंपल में काफ़ी खूबसूरत था. और ये देखो, सामने ना एक
बार्बी डॉल बनाया गया था एकदम आर्टिफिशियल रोज से, जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा मुझे। आपको कैसा लगा आप भी मुझे बताना। देखो बहुत सारा भीड़ था यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए, लोग यहाँ पे खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे, तो मुझे और मौका नहीं मिला सेल्फी लेने का, क्योंकि इतना ज़्यादा धक्का धक्की था जो मैंने सोचा चलो मुझे सेल्फी नहीं लाए, लेकिन आपके लिए मैंने कैप्चर ज़रूर किया। ये देखो ये वाला जो मतलब डेकोरेशन था ना, काफ़ी अमेजिंग था गाइस, सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था लेकिन जितना भी बनाया था बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत था। ये देखो जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और ये जो फ्लावर्स था ना, ये देखने में ना आर्टिफिशियल नहीं लग रहा था, लग रहा था कि ओरिजिनल रोज़ है। जब सामने से नहीं देखोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा, दूर से तो मैंने सोचा था बाबा रे इतना ज़्यादा रोज़ इसमें यूज़ किया गया, लेकिन जब सामने गई तब पता चला कि ये आर्टिफिशियल फ्लावर था। और कलर देखो एकदम डीप रेड कलर था, एकदम क्रिसमस का वाइब जो है वो आ रहा था। और ये देखो चारों तरफ क्राउड्स कुछ ऐसा था, ऊपर नीचे मतलब इतना ज़्यादा लोग थे ना कल, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखो वो जो डेकोरेशन था उसके नीचे चारों तरफ कुछ ऐसे सजाया गया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन गाइस एक बात है, पूरे मॉल में ना सांता हमें कभी कहीं भी नज़र नहीं आया, सच्ची में बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं। बच्चे ना बहुत पूछ रहे थे अपने मम्मी पापा से कि मम्मी पापा सांता कहाँ है, सांता कहाँ है, लेकिन हमें सांता नज़र भी नहीं आया सच्ची में। तो जो भी देखा ऐसा ही कुछ डेकोरेशन था, तो आई होप हमें सांता भी देखने को मिल जाएगा। तो चलो अभी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस मॉल में मैंने इतना ही कैप्चर किया, अभी थोड़ा सा बाहर जाना है और भी कुछ जगह पे, तो चलो देखते हैं आगे जाने के बाद हमें सांता नज़र में आ जाता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा व्यू आप देख लो बाहर से, है ना अमेजिंग, बहुत खूबसूरत था ये। बहुत ज़्यादा भीड़ भी था लेकिन डेकोरेशन भी बहुत अच्छा था, तो बस ऐसा ही था। तो अभी मैं जाऊँगी यहाँ से निकलने के बाद किसी और जगह पे, तो चलो आप भी बने रहो मेरे साथ, मैं पूरा जो है और भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं मॉल के अंदर आपको बोल रही थी ना कि हमें सांता नज़र में नहीं आया, तो फाइनली हमें सांता नज़र में आ गया। हम जा रहे थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, तो उसके बीच में रोड में हमें साइड में सांता नज़र में आ गया, तो मैंने जल्दी से कैप्चर कर लिया। देखो हमने एंजॉय किया सांता के साथ थोड़ा सा, ये देखो बहुत अच्छा लग रहा था, आप भी एंजॉय कर रहे हो आई होप आपको अच्छा लग रहा है। तो देखो सांता के साथ हमने थोड़ा सा एंजॉय किया। और गाइस ये देखो ये थोड़ा सा लाइटिंग जो है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। पूरे शहर को ना ऐसे लाइट से सजाया गया था क्रिसमस के लिए, जैसे दशहरा या दुर्गा पूजा के टाइम में सजाया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही क्रिसमस के लिए भी यहाँ पे ऐसा कुछ डेकोरेशन किया गया था। पूरे रोड पे लगभग पूरे रोड पे ही ऐसा डेकोरेशन था जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा लाइट था यहाँ पे चारों तरफ। यहाँ पे देखो पूरा आपको नज़र में आएगा, चलो आगे चल के दिखाते हैं। देखो कितना खूबसूरत लाइटिंग किया गया था जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, एक फेस्टिव मूड जो वाइब जो है वो आ रहा था। और मुझे ना लाइट्स बहुत पसंद है जैसे चीज़ें, बहुत ऐसा लाइट होता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए चारों तरफ जो रोड पे भी ऐसा डेकोरेशन किया गया था, तो मैंने सोचा ये भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अभी जाऊँगी मैं अपना नेक्स्ट मॉल की तरफ, तो उसका भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। अब इसको देख लो थोड़ा सा, उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, ठीक है गाइस। तो गाइस दिस इज़ द नेक्स्ट मॉल, और ये है शिलीगुड़ी कॉस्मोस मॉल। और इस मॉल का भी जो एक डिटेल्स वीडियो है वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, और चाहे तो जाके देख सकते हो। तो गाइस अब ये देख लो बाहर से जो डेकोरेशन है वो कुछ ऐसा है, ये सामने कुछ ऐसा गेट बनाया गया है, ये है पूरा मॉल का व्यू। यहाँ पे जो है गाइस थोड़ा सा क्राउड कम है, जैसे वेगा में था वैसा यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा कम है यहाँ पे। तो अभी हम जाएंगे अंदर, तो चलो हम चलते हैं अंदर। अभी अंदर जाने के बाद देखते हैं अंदर का डेकोरेशन कैसा किया गया है, तो अंदर जाने के बाद पूरा जो अंदर का व्यू है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं अंदर।
सो गाइस अभी मैं आ गई हूँ मॉल के अंदर। ये देखो, ये है मॉल के अंदर का जो डेकोरेशन है वो कुछ ऐसे किया गया है। बहुत कुछ खास नहीं था, सिंपल में एक क्यूट सा डेकोरेशन किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना गाइस, यहाँ पे क्राउड उतना ज़्यादा नहीं था, तो मैं बहुत आसानी से वीडियो कर पाई। हमने सेल्फीज भी लिया बहुत सारा यहाँ पे। और जैसे वेगा मॉल में था ना, इतना ज़्यादा क्राउड था कि मैं तो बात भी नहीं कर पा रही थी, सेल्फी तो लेना दूर की बात है। तो यहाँ पे देखो उतना ज़्यादा क्राउड नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं ना, बहुत आराम से अपना टाइम स्पेंड किया सभी ने। ये जो है मैं दिखा रही हूँ आपको पूरा मॉल, ये देखो थोड़ा थोड़ा क्राउड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए वीडियो करने में भी आसानी हुई। सामने देखो ऐसा डेकोरेशन था कुछ, तो यहाँ पे बच्चे बड़े सभी खड़े होके अपना सेल्फी ले रहे थे, सभी ने एंजॉय किया बहुत सारा। ये देखो, और जैसे मैं तो वेगा में एक भी पिक्चर नहीं क्लिक कर पाती, लेकिन यहाँ पे आके मैंने ढेर सारा पिक्चर क्लिक किया, तो मज़ा भी आया बहुत। बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन देखो सिंपल है पर अच्छा है ना गाइस। ये देखो सामने कुछ शांता का ऐसे घर बनाया गया था, कुछ गिफ्ट्स रखे गए थे छोटे छोटे, जो कि अच्छा लग रहा था सबको। तो गाइस मैंने तो अपना क्रिसमस कुछ ऐसे मनाया, और आपने अपना क्रिसमस कैसे मनाया वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर से विश यू अ मेरी हैप्पी क्रिसमस गाइस। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और ये वीडियो और ज़्यादा नहीं बड़ा करूँगी, यहीं पे स्टॉप करना है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ देर हम रुके थे, उसके बाद हम लोग चले गए घर। तो आप देखते रहो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना गाइस। तो चलो अभी चलते हैं घर, क्योंकि बहुत लेट हो गया, बहुत देर से हम आए थे यहाँ पे। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।